आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के विषय जीव विज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, इनकी बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं। जो हमारी पहली यूनिट है जनन, वो 14 अंक में विभाजित की हुई है और 3 चैप्टर उसके अंतर्गत आते हैं। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, एनिसेक फलन, ये 2 नंबर में आने के लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनिसेक फलन। दूसरा, बहुभ्रूणता, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि आवर्त बीजी पौधों में पाया जाता है और एक महत्वपूर्ण उनका गुण है। परागण, पोलिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, और इसके प्रकार। दूसरा चैप्टर मानव जनन, यहाँ से जो मेन है शुक्राणु जनन और अंडजनन, जो युग्मक जनन होते हैं, जो युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, एक एग और दूसरा स्पर्म, अगर मनुष्य की हम बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युग्मक जनन और अंडजनन, और दूसरा शुक्राणु की संरचना या अंडाणु की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी इसमें आवर्त चक्र, आतर चक्र, मेनस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपरा, प्लेसेंटा, इसके कार्य, प्लेसेंटा और इसके कार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ये मेन रहने वाला है। तीसरा जो चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, यहाँ से जनन स्वास्थ्य चैप्टर है, इसमें बंध्यता, एमिनोसेंटेंसिस और जनसंख्या विस्फोट और परिवार नियोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। अब हम देखेंगे जेनेटिक्स के जो 18 नंबर का है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इकाई 2 जो हमारी 18 अंक की है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इकाई 2 है अनुवांशिक तथा विकास, इसमें पहला जो चैप्टर है वंशागति तथा विविधता, इसमें जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, दिवशंकर क्रॉस, वर्णांता और लिंग निर्धारण मनुष्य में और मधुमक्खी में, ये जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेंटर सिंड्रोम, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तीनों सिंड्रोम। और यहाँ से आगे इसी में चैप्टर 2 जो है वो है वंशागति का आणविक आधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से डीएनए के बारे में, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, ये सिद्ध करने के लिए है कि डीएनए जो है वो अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो हर्षी चेज और ग्रिफ ने जो प्रयोग किए थे उनके बारे में यहाँ से हमें बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। डीएनए की संरचना, जो वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल अपना प्रस्तुत किया था उसके बारे में बताना है। और डीएनए पैकेजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, मानव जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। और सेंट्रल डोगमा, 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। और अनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और डीएनए और आरएनए में अंतर तो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अब देखते हैं यूनिट 3 जो हमारे 14 अंकों की है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, मतलब जीव विज्ञान मानव के कल्याण के लिए कैसे कल्याणकारी है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, ये इस यूनिट में हमको पढ़ना है। और मानव स्वास्थ्य और रोग, इसमें रोगों के बारे में हमको पढ़ना है, और जो इम्पोर्टेंट रोग है वो मलेरिया, हाथीपाव, एस्केरियसिस और अमीबाइसिस। प्रतिरक्षा तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एचआईवी तथा एड्स, जो एचआईवी है वायरस होता है, इसके बारे में और एड्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये दूसरा चैप्टर है इसके अंतर्गत, मानव कल्याण और सूक्ष्म जीवों में, यहाँ जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं मनुष्यों की, उसके बारे में, जैसे जैव उर्वरक और वाहित मल में उपचार, जो वाहित मल है उसका उपचार सूक्ष्म जीवों के द्वारा कैसे होता है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। यूनिट 4 जो 10 अंक की है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, तो इसमें मानव इंसुलिन, जो इंसुलिन हार्मोन होता है एक, जो मधुमेह को कंट्रोल करता है, उसका कैसे निर्माण किया जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट
डीएनए जो जीवाणु के प्लाज्मिड से जोड़कर तैयार किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक जीव इंपॉर्टेंट है, और बीटी फसलें जो बैसिलस थुरिंजियेंसिस एक जीवाणु होता है जिसका प्रतिविष पेड़ पौधों में इंजेक्ट कराकर उनको कीटों के प्रति प्रतिविष का कार्य करता है और उन्हें उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जीन चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा और बीटी फसलें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से यूनिट फोर में ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे लास्ट यूनिट जो यूनिट फाइव है वो किस प्रकार है। अब देखते हैं यूनिट पाँच जो हमारे 14 अंक की है, यूनिट पाँच पारिस्थितिकीय और पर्यावरण। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो पारिस्थितिकीय अनुकूलन, जो भिन्न भिन्न पेड़ पौधे या मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार से अपना अनुकूलन करते हैं ये सब, और पारस्परिक क्रिया, जो पारस्परिक क्रिया है जो दो जीवों के मध्य होती है या किसी सिंगल पर्टिकुलर जीव के मध्य होती है, सहकारिता, स्पर्धा, परभक्षण और परजीविता। परजीविता इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैव विविधता और उसके संरक्षण। इसमें जैव विविधता क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट या तप्त स्थल, तप्त स्थल, ये ऐसे स्थल होते हैं जहां पर जीवों की संख्या बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। कहने से मतलब ये जो जैव विविधता है, जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो इन स्थलों में काफी मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए इसको हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहते हैं। रेड डाटा बुक, ये ऐसी बुक है जिसमें जो विलुप्त हो चुकी जातियां हैं या ऐसी जातियां हैं जो विलुप्त की कगार पर हैं, नष्ट होने वाली हैं, संकटा पन जातियां, उनको रखा जाता है इस बुक में, रेड डाटा बुक उसका नाम है। और राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों को और जंतुओं को जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है बोर्ड की दृष्टि से, उसमें ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।